हाय गाइस, आज हम देखेंगे कैसे एक गिटार के अंदर अपना जो ट्यून है गिटार का, ये डिस ट्यून है अभी, ओके, इसको कैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन का जो ट्यून ऐप अभी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है, उनमें से जो कोई भी आपको पसंद है वो एक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कैसे आप इसको समझोगे, जो कैसे ये मिलाए जाते हैं उसके ऊपर ही ये ट्यूटोरियल है, थोड़ा ध्यान से देखना। और पहले जो आप देख रहे हो, आप अभी देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये लास्ट वाला जो ये स्ट्रिंग है, ओके, E4 लिखा हुआ है यहाँ पर, E4 लिखा हुआ है, देखिए आप, और उसके ऊपर B3 लिखा है, उसके ऊपर G3, फिर D3, फिर A2, फिर E2, ऐसे लिखा होता है। तो इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले स्ट्रोक कीजिए, ये E4 का स्ट्रोक है, अभी ये जो है अभी फुल्ली दिखाते हैं हम कैसे ये ट्यून कर सकते हैं आप, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, इसको मिलाएंगे, अभी देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर इसको E4 होना चाहिए, उसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जोर से स्ट्रोक करें तो ट्यून आप दिखा रहा है, तो इसको आप थोड़ा आप कीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप इसको टाइट कीजिए इसको, ओके, अभी देखिए, और थोड़ा अभी हरा हो गया, ग्रीन दिखा रहा है अभी, तो बिल्कुल और थोड़ा ऑन ट्यून, ओके गाइस, अभी दिखा रहा है इन ट्यून, ओके। उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको आपको B3 में लाना पड़ेगा, उसके लिए पहले स्ट्रोक कीजिए सेकंड वाला स्ट्रिंग में, देखिए अभी B3 चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए ट्यून आप दिखा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा उसको आपको B3, ओके, ओके, ये हो गया। उसके बाद G3 तो थर्ड वाला स्ट्रिंग है, और जी स्ट्रिंग है उसको 3, ओके, और यहाँ पर जो शो करेगा G3 वो सेम मैच होना चाहिए इसमें, ठीक है, G3 देखिए, G3 दिखा रहा है अभी, थोड़ा ऊपर हो गया, ओके। इसके बाद चार नंबर स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है वो D3 इसको बोलते हैं, D3 में इसको ट्यून करना पड़ेगा।